अरे वाह, लोगों को इतनी जल्दी पता चल गया कि हमने भूतों को भगाने का बिजनेस खोल दिया। अरे पता ही नहीं चल गया जनाब, पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है, आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, इतने बड़े ताकतवर दारा कोयला जैसे भूत का कोरमा बना दिया आप लोगों ने। ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए हम भूतों का क्या हाल करते। फिर से हवा में बात करने लग गए। राजू जी के अलावा यहाँ कौन है? है है यहाँ है। एक मिनट, सुनो। तुम्हारे चीजा जी को ये दोनों नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये दोनों भूत है ना। अरे अचानक कांपने क्यों लगे हो तुम लोग? अब मुझे लगता है इनको ठंड लग रही है, आप इनके लिए जल्दी से कंबल ले आए ना प्लीज। ठंड लग रही है? लाता हूँ कंबल। अरे देखिए भूत सर, गलती हो गई। एक्चुअली दारा कोयला को हमने नहीं मारा, वो खुद मर गया। भूत मैम नहीं, भूत मैम देखिए हम तो ना समझ है, लेकिन तो आप तो पढ़ी लिखी समझदार भूत नहीं लगती है, हमें मत मारिएगा प्लीज। अरे आप लोग गुजारिश मत करिए, गुजारिश तो हम लोग करने आए हैं। इसका मतलब आप हमसे गुजारिश करने हमें मारने आए? नहीं नहीं, हम आपको मारना नहीं चाहते, हम तो अच्छे वाले भूत हैं। इसीलिए तो आपके जीजा जी के सामने पेश नहीं हुए, कहीं वो डर गए तो? हम इंसानों को डराते नहीं हैं, बल्कि हम तो ये कहने आए हैं कि आपको जितने भी भूतों को भगाना है खूब भगाओ, रॉयल मेंशन के भूतों को मत भगाओ। ये तो किसी ने मेंशन ही नहीं किया। हाँ रॉयल मेंशन? रॉयल मेंशन ही तो हम भूतों का आखिरी आसरा है। आसरा? देखो लेट मी एक्सप्लेन, पहले क्या था, भूत पेड़ों पर उल्टे लटकते थे, या तो फिर कब्रिस्तान में रहते थे, या तो फिर खंडरों में चमगादड़ों के पड़ोसी बनकर रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि इंसानों ने पेड़ों को काट दिया है, कब्रिस्तान पर 5-star होटल खड़ी कर दिए और खंडरों में शॉपिंग मॉल बना दिए, तो ये बेचारे जाए तो जाए कहाँ? अब ले देकर गेंडामल हेमराज का मैंशन बचा है जो इनका आसरा या घर है। सॉरी पर हमें आपसे हमदर्दी है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट लेकर आएगा तो हमें आना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी, ये खानसामा का वादा है। और मेरा भी। फिर तो पक्का होगा। अरे आप यकीन कीजिए, हम इंसानों को नहीं डराते, बल्कि हम तो उन्हें हंसाते हैं, हंसा हंसा के उनके दुख दूर करते हैं। यकीन ना हो तो हमारे राइटर महोदय ने हम लोगों पे बहुत अच्छी कहानी लिखी है, उस फिल्म को जरूर देखिए। ये लो कंबल लो। नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इनको ठंड नहीं लग रही है। अब टिकू जी मैं चलता हूं, प्रीतम बारे थैंक यू वेरी मच, और ये मेरे फिल्म के प्रीमियर के पासेस आप सबके लिए, जरूर आइएगा। जरूर, 21 मार्च को, भूलिएगा नहीं। या जरूर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या किसे देख रहे हो, किसे ऑल द बेस्ट कह रहे हो? काम वाम नहीं करना तुम लोगों को, चलो ऑफिस में। चलो हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। बात शिवानी बात। भूतोपीडिया? यस, भूतोपीडिया यानी भूत ज्ञान कोश। इसमें भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, पिशाच, वैम्पायर, मम्मी और ड्रैकुला जैसे अलग अलग भूतों के बारे में अलग अलग चैप्टर्स हैं। भूत
भूतों में भी इतनी सारी वैरायटी होती है। जी हाँ, इस भूतोपीडिया में हर तरह के भूतों की कमजोरी के बारे में डिटेल में लिखा है, बस तुम दोनों एक बार इसे पढ़ लो। जैसे तुम इस किताब को पढ़ोगे, तुम दोनों को हर तरह के भूतों की सही पहचान हो जाएगी और उसके बाद उन्हें मारना आसान हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी किताब पढ़ते पढ़ते तो हम खुद भूत बन जाएंगे, कोई छोटी गाइड नहीं है? नहीं है। अतः पहा माजी कमाल, मैं तुम्हें एक नया इन्वेंशन दिखाता हूं। यह है मेरा नया आविष्कार। प्रीतम प्यारे, क्या कमाल का रिमोट है ये? बाप रे बाप, ये इतना बड़ा रिमोट? अरे भूतों के टीवी भी तो बड़े होते हैं, तो रिमोट भी बड़ा होगा। नो, ये अलग तरह का रिमोट है। इस लाल बटन को दबाते ही इसमें से एक किरण निकलेगी जो सीधे जाके भूत के हार्ट में घुस जाएगी। उसके बाद तुम दोनों भूत को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, प्ले, पॉज, स्टॉप। और एक चीज है मेरे पास। और एक? ये है भूत स्प्रे। भूत? अच्छा, जब भूत नहा के नहीं आते होंगे, इनके पास से बात आती होगी तो स्प्रे लगा दो। नो, ये स्प्रे अलग है। अगर तुम पे कोई भूत हावी हो जाए तो तुम उस पर ये स्प्रे कर दो, वो अपने आप धुएं में बदल जाएगा। दिखाइए दिखाइए। जैस्मिन फ्लेवर मेरी जी को बहुत पसंद है। ए, नको नको नको। ये स्प्रे अगर भूतों के बजाय तुमने इंसान पे डाल दिया तो उसके पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाएगी। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है! अरे भाई, किसकी खुशबू है ये? ये जी, ये मिस्टर मैक ने दी हुई स्प्रे की महक है। महक है। What a coincidence, मैकी। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक स्प्रे लेकर आया हूँ। सर, थैंक यू फॉर द ऑनर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। लेकिन मैं आपके लिए कोई परफ्यूम नहीं लाया, ये तो भूतों का स्प्रे है सर। अरे लगता है जीजा जी डांस कर रहे हैं, मतलब वो भी खुश है, वो खुश तो हम भी खुश। चलो। अरे गधो, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुजली हो रही है। खुजली? खुजली? क्या कर रहा है? प्यारे, कहीं तुमने इन पे तो वो भूतों वाला स्प्रे नहीं मार दिया? नहीं, मैंने तो बस वो हवा में स्प्रे किया था, पता नहीं जीजा जी को कैसे लग गया। सॉरी प्रीतम। प्यारे, ओ नो। उनो क्या? सर जी, ये भूतों का स्प्रे है, अगर ये इंसानों पे स्प्रे किया तो पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाती है। खुजली शुरू हो गई है? प्रीतम प्यारे, इधर तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। क्या हुआ? ठीक है। अरे ये दामाजी को क्या हुआ? इन्हें खुजली का प्रॉब्लम हो गया है। खुजली? सीरियस खुजली लग रही है, जल्दी से एम्बुलेंसेस बुलाओ। एम्बुलेंसेस नहीं, एक ही बुलाएंगे तो काफी है। हाँ हाँ वही। प्यारे बेटा, वो जरा भूतों वाला स्प्रे देना, गलती से किसी और पे डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। दे 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 दे। अब ये स्प्रे मैं तुम लोगों पे डालूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को।
भगवान, क्या करूं, कैसे बचूं इस मम्मी से? कौन बचाएगा इस भूत से हमें? यस, ओनली डायल, मैं फोन करती हूँ, उनके पास शायद कोई भूत भगाने वालों का नंबर हो। देखिए, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ, आप प्लीज प्लीज भूत भगाने वालों का नंबर जल्दी भेज दीजिए। मैम, हमारे पास एक ही नंबर लिस्टेड है, मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ। मैं हूँ तेरा सहारा, तू है मेरा सहारा। प्यारी प्यारी, प्यारा प्यारा। हाँ, खुजली का दर्द होता है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। आए हाय, मार डाला गुगी, एक तो तुम्हारे शेर ने मुझे मार डाला, दूसरा इस खुजली ने मुझे मार डाला। अरे एम्बुलेंस आ गई, जल्दी आ, जल्दी। एम्बुलेंसेस आ गई ना? हाँ, एम्बुलेंसेस एक ही आई है। वही तो। दीदी, जीजा जी, जीजा जी को नहीं, फोन को उठाने के। अरे जीजा जी को इस हालत में छोड़ के। अरे इनको मैं संभाल लूंगी, मैं हॉस्पिटल्स लेके जाऊंगी, ये तुम्हारा पहला केसेस है, और क्या पता शायद कोई तुम्हारे जीजा जी से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत पे हो। अरे दीदी, जाने से पहले वो भूतों का स्प्रे तो दे दो। मैं सर जी को हॉस्पिटल छोड़ के सीधा साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, मेरे भूतों का रिसर्च बचा हुआ है यार। अरे नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप मत जाइए, अगर आप गए और भूतों का मुकाबला करते करते हम दोनों भूत बन गए तो। हाँ। कोई भी भूत हो, कैसा भी भूत हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे भी तुम्हारा आशीर्वाद लेना है ना? नहीं नहीं, हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, चलो चलो हॉस्पिटल हॉस्पिटल। हेलो हेलो हेलो, मम्मी चाहती है। मम्मी प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए, मम्मी बहुत गुस्से में है। लो कर लो बात, इसकी मम्मी इसके पीछे पड़ी और ये डर रही है, अगर उसने देख लिया तो वो हम सबको मार देगी। प्लीज हेल्प। मैडम डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, हम है ना, हमें मम्मी को कंट्रोल करना आता है, हम वहीं आके आपकी मम्मी को शांत कर देंगे। ठीक है, एड्रेस 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 बताइए, एड्रेस। प्रोफेसर भट्टाचार्य लैब, हाईटेक कंपाउंड, एमजी रोड, हम जल्दी आ जाइए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। हाँ, लेकिन अब हेलो, फोन काट दिया। लेकिन एड्रेस तो मिल गया ना, वैसे इसकी मम्मी इतने गुस्से में क्यों थी, पीछे से जोर जोर से चीजें टूटने की भी आवाजें आ रही थी। अरे इस लड़की ने कोई बहुत बड़ी गलती की होगी। हाँ, कैसे? जैसे कांच वांच तोड़ा होगा। हाँ, क्या एक बात बताओ, अगर इसकी मम्मी इसमें गुस्सा थी तो इसे पुलिस स्टेशन में फोन करना चाहिए था, हमें क्यों किया? तू कितने सवाल पूछता है, तू चल फटाफट केस सॉल्व करते, जीजा जी को खुश कर देते। हाँ, है ना, चल चल।
चले। अरे एक सेकंड, कुछ रह गया। Well, thank you. चले चलो। जवान जवान जवान, हाँ हाँ हाँ, मिशन मम्मी शांत करने के लिए तैयार? यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर सर, प्रीतम, हाँ प्रीतम, मैंने ना ये साइकिल ली है, इसमें ये एक घंटी है, एक ऐसा कैरियर है, दो स्टैंड है, उतनी स्टैंड तो एक ही है, दो चेन है, और एक मिनट, चेन की सांस ले, आराम से बता। इन शॉर्ट ये साइकिल में हम दोनों के लिए लाया है, जिसपे हम दोनों बैठ सकते हैं, ये दो हेलमेट है जिसपे दो टॉर्च है, और भूतों को भगाने वाला स्प्रे लेकर आया हूँ, और भूतों को कंट्रोल करने वाला ये रिमोट भी लिया है। हम मम्मी को शांत करने जा रहे हैं, तो फिर भूतों को कंट्रोल करने वाला रिमोट और स्प्रे क्यों लिया? क्यों लाया था? हाँ हाँ, अरे मान लो कि उस लड़की की मम्मी के अंदर भूत हुआ तो। अच्छा किया, वेरी गुड। हाँ। मैं यही चेक कर रहा था तेरे इधर अलर्टनेस है कि नहीं मेरी तरह। तो हो, वेरी गुड, ठीक है, लेट्स गो। हाँ वन मोमेंट, ये क्या कर रहा है? भेज दिया। क्या भेज दिया? हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस जगह का पता। किसको? दीदी को। क्यों? अरे मिशन मम्मी को शांत करो में अगर हम दोनों शहीद हो गए तो घर वालों को पता तो होना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। ए, चुप चुप कर। Let's go! Yes, sir! लगी तो नहीं? अरे ये गोल गोल रानी, इतना इतना पानी क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? जादू? प्यारे का SMS? हम मिशन मम्मी में जा रहे हैं, वहां का एड्रेस है प्रोफेसर भट्टाचार्य's लैब, हाईटेक कंपाउंड, MG रोड। कितने समझदार है मेरे भाई। वाओ, मेरे ख्याल से मुझे मैरी को उनकी हेल्प करने के लिए भेजना चाहिए। अरे अरे तू प्रे, मैरी आप यहाँ? हाँ, मुझे गोगी मैम ने भेजा है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। अरे वाह, दीदी को कितनी फिक्र है हमारी। और आपको भी है ना मैक जी? हाँ चले। हाँ चल। नहीं नहीं रुको, हम तो तीन है, एक दो तीन, और तीन टिकड़ा काम बिगड़ा, तीन जन नहीं जाएंगे। हाँ तो तू जा। ए, मैं क्यों जाऊँ? तीन टिकड़ा वाला मेरे दिमाग में आता ना, तो तू जा। नहीं मैं मेरी जी के साथ जाऊंगा। मैं मेरी जी के साथ जाऊंगा। जाऊंगा ना मैं जी के साथ। मैं मेरी जी के साथ जा रहा हूँ। दोनों चलो। हाँ चलो। एक मिनट एक मिनट, हेलमेट को तो पार्क करने दो। अयो सारे वो मम्मी गया। एडियट, For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.